अगली खबर का रुख कर लेने। खबर फिरोजपुर तो आ रही है जिथे पंचायती चोणां नूं लैके रंजिशां दा दौर हाले विचारी है। वोट ना पाउण ते फौजी दी पत्नी नाल कुटमार कीती गई। कुटमार दी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने मुलजमां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तां पंचायती चोणां नूं लैके इह रंजिशां दा दौर हाले भी चल रहा है। एक फौजी की पत्नी की कुटमार की गई है। कसूर सिर्फ यह कि उसके वालों वोट का भुगतान नहीं किया गया। कुटमार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस के वालों गंभीरता की जा रही है। तो एक फौजी की पत्नी के नाल कुटमार की गई है क्योंकि उसके वालों वोट नहीं भुगताई गई। तो वोट ना पाते चलद इसकी कुटमार की गई है। तो कुटमार सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई हैं। हालांकि इस औरत नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया जिथे इलाज चल रहा है। कुटमार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। एक फौजी की पत्नी जिसकी कि कुटमार की गई है क्योंकि इसके वालों वोट नहीं भुगताई गई। तो इसका नतीजा यह भुगतना पाया कि इस कुटमार की गई है। हालांकि पूरे मामले के पुलिस वालों गंभीरता जांच पड़ताल की जा रही है। पंचायती चोणों लैके रंजिशों का दौर यह लगातार चल रहा है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच पड़ताल पूरे मामले के पुलिस कर रही है। तो फिरोजपुर का यह पूरा मामला है जिथे पंचायती चोणों लैके रंजिशों का दौर भी चल रहा है। वोट ना पाने फौजी की पत्नी का कुटमार की गई है। कुटमार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मामला दर्ज कर दिता है। तो कसूर इस औरत का सिर्फ इन्ना सी कि इसके वालों वोट का भुगतान नहीं किया गया। तो नतीजा यह भुगतना पाया कि इस नाल कुटमार हुई है। फिरोजपुर का पूरा मामला पंचायती चोणों लैके रंजिशों का दौर चल रहा है। रंजिशा जिसका यह असर वेखन मिले कि एक फौजी की पत्नी के नाल कुटमार की गई है। तो इसके वालों वोट का भुगतान नहीं किया गया जिस कारण इसनों कुटमार का शिकार होना पाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले के जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो हुण अगली बनती कार्रवाई करने की गल पुलिस के वालों कही जा रही है। जी पिंड कुतबगढ़ पाटे तो हाँ, इन्हों का मसला भी लंबा ही चलिया आंदा। पहला बेअदबी वाला मामला सीगा अपना विच, वह हले निबड़ा नहीं गया। इन्होंने भी कह कवा के भी उन्होंने हले दबाता है, परचा कट्टा पे, बंदे उस भी अरैसट नहीं किए गए है। हूँ इन्होंने की किया भी जी वोट हरेक का हक है, कोई भी आपका कितने भी पा सकता है। वो कोई बनस नहीं है कि आप वोट इतने तो इतनी मोहर लगानी है। इन्होंने फौजी सिंह है जेड़े देश की राखी करने वाले ने। आम इंसान की इतने जीन का कोई हाल नहीं रह गया गा। जेड़े देश की राखी करते हैं जिन्हों के सिर से आप माण ना सुख की नींद सौने जी, उन्होंने परिवार के नाल ही एडा वड्डा धक्का हो जाए तो आम इंसान की तो कोई जिंदगी नहीं रह गई। हुण की आ कल का इन्होंने पाई हुई है कार्रवाई। सर उन्होंने साड़ी वार्ड में उन्नी टू मैंबर हार की वजह कारण मेरे आन के घरे गल पै गई। रंजिश साड़ी यही सी वोटा की सर, सर कहते साडा मैंबर आ गया तुसीं इन्हां नूं वोटां नहीं पाईआं। सर असीं कहा सी वी साडी मर्जी सी, साडा वोट दा सानूं अधिकार सी सर, ते असीं अपनी वोट चॉइस नाल किते वी पा सकदे सी सर। फिर उन्हां ने की कीता, पहला मेरे पति दे गल पै गए। पहला आन के मेरे पति ने हां जी छुट्टी ते आए वे सी सर, मेरे पति अंदर भज जिहड़ा हैगा जिहड़े आरोप लगे हैगे ये वीडियो राही हुणे साढ़े सामने आया है। तो इस पर जिहड़ा है परचा दर्ज किया जा चुका है। ये जिहड़ी है निरपक्ष तरीके नाल जांच की जा रही है। तो जिहड़ी मुढ़ली तफ्तीश हुण तक पता चलिया ये जिहड़ी वजह रंजिश इहदी जिहड़ी है पुरानी लड़ाई है जी। धन्यवाद।
की गई है। सीसीटीवी तस्वीर उस चीज की गवाही भर रही ने। सीसीटीवी के साफ नजर आ रहा है कि एक औरत के नाल किस कदर कुटमार की गई है। यह औरत जो कुटमार का शिकार हुई है तो कसूर इसका सिर्फ इना सी कि इसके वालों वोट का भुगतान नहीं किया गया। पंचायती चोणों लैके रंजिशा का यह दौर जारी है। यह सीसीटीवी फुटेज जो कि सामने आई है, हालांकि पूरे मामले के पुलिस के वालों गंभीरता नाल जांच पड़ताल जरूर की जा रही है। मामला पुलिस के वालों दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ यह जो FIR दर्ज की है, पूरे मामले के पुलिस गंभीरता नाल जांच पड़ताल जरूर कर रही है। पर यह तस्वीर जो कि अपने आप के गवाही भर रही ने, शर्मनाक तस्वीर सामने आई हैं कि एक औरत की गली दे विच कुटमार की गई है। यह जो सारी कुटमार की घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है, तो पुलिस वालों पूरे मामले की गंभीरता नाल जांच पड़ताल की जा रही है। पंचायती चोणों नूं लैके यह रंजिशां दा दौर हाले भी रुकण दा नाम नहीं लै रहा। एक औरत नूं इस कदर मारिया कुटिया जा रहा है क्योंकि इसका कसूर सिर्फ इना सी कि वोट का भुगतान इस औरत दे वालों नहीं किया गया। कुटमार की सीसीटीवी फुटेज इस सामने आई है। वोट ना पाने फौजी की पत्नी की कुटमार की गई है। खबर से होर जानकारी लवेंगे। सहयोगी राजेश कटारिया जी सर फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। तो राजेश जी, एक औरत नूं गली दे विच कुटिया मारिया गया, घसीटिया गया, की कुछ अहम अपडेट आ रहा है? की कसूर इस औरत दा सी ते कुटमार करन वाले शख्स कौन सी? जी 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 कुलविंदर, बिल्कुल ए जिहड़ी है गुरु साहिब दे पिंड दी हैगी है, जिथे की एक फौजी जो कि फौज दे विच काम करदा, उसकी पत्नी नूं उसके बच्चों के सामने घर के अंदर घर वर के जो है कुटमार की जाती है। उसका कसूर सिर्फ ये कि सानू वोटा नहीं पाइया, असीं चुनाव जिहड़े है हार गए हैं। देखो पंचायती चोणों नूं बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन जिहड़ी पिंडां दे विच चोणों तो बाद जी रंजिश कढ़ी जा रही है, जिहड़ा कोई जित गया वह अपना जोर दिखा रहा है, जिहड़ा कोई हार गया वह अपनी रंजिश कढ़ रहा है। यह जिहड़ी सीसीटीवी दे विच आया, एक फौजी की पत्नी हैगी है जो कि फौज दे विच देश की सेवा करता है, उसके घर के विच वड़ के उसका जिहड़ा हारिया सरपंच सीगा वो उसका कुटमार करता कि तुम सा सपोर्ट नहीं की, तुम वोटा नहीं पाइया। और छोटे बच्चे खड़े है देख रहे, उन्होंने सामने बड़ी बेरहमी ना जरा उस औरत की कुटमार की जाती है, और कुटमार करने तो बाद उसके जे उसके हाथों से भी काफी चोटा लगी ने, और उसके घर के अंदर जबकि उसका घर वाला मौजूद नहीं है कि वो फौज से अपनी ड्यूटी कर रहा है उसने, और उसके घर के अंदर वर के उससे जरा है हमला किया गया। जी कुलविंदर, बिल्कुल राजेश, जिस तरीके नाल इस वारदात को अंजाम दिता गया, एक औरत ते हाथ चुकया गया, वह भी गली दे विच लोकां दे विच तमाशा उसका बनाया गया, आस पास के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो पुलिस पूरे मामले दे विच की कारगुजारी कर रही है? देखो आस पास के लोगों की पिंडों के जी है रंजिशा चुनावी रंजिशा कड़िया जाए, बाद बहुत ज्यादा झगड़े होंगे ने फिरोजपुर के एरिए, कई पिंडों के पंचायत चुनावों तो बाद जी है एक जी कल एक वीडियो सामने आई थी, पिंड के सरपंच जरा कि जितया से उसने दूसरे वाले कुटिया से कि तुम सापोर्ट नहीं की, तुम हराया हूँ सर मैं देखा कि मैं सरपंच बन गया। इसे तरह ही इस पिंड जिला एक हारिया हुआ सरपंच है, एक औरत कुटमार करता है भरे गली के घर के बाहर घर के अंदर वर के उसका कुटमार की जाती, हालांकि पिंड वाले थोड़ी दूर तक मूक दर्शक बने बात सुनाते हुए, लेकिन पुलिस का जरा है क्या किचन पुलिस कह रही है इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो सानू पता लग गया कि इन्होंने कोई पुरानी रंजिश अपनी हैगी है उसमें लैके कुटमार की गई। SP रणदीप कुमार ने कहा जी जांच करने तो बाद जो भी दोषी आया सामने उसके खिलाफ जी FIR दर्ज की जाएगी। हाले तक FIR नहीं हो क्योंकि पुलिस ने जी है अपना जांच से गल कर रही कि जांच की जा रही की मामला की है, क्यों कुटमार की है, औरत घर के वाकई कुट किया है, ऐसी जरूर उसकी FIR कराने। जी ठीक है राजेश जी, फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, हम जानकारी तुसर दर्शकों तक पहुंचाई है। तो यह जो तस्वीर अपने आप के गवाही भर रही ने कि इस औरत का पति सरहदा से राखी कर रहा है, पर इस पिंड इस औरत तमाशबीन बना के जो कुटिया मारिया गया, तो कसूर इस औरत का सी कि इस वालों पंचायती चोणों के वोट का भुगतान नहीं किया गया।